गुड मॉर्निंग। आज हम इनकम टैक्स के अंतर्गत नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि इनकम टैक्स में जो मेन फाइव हेड्स हैं उनकी सारी इनकम को जब टोटल किया जाता है तो वह व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम होती है, और उस ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ डिडक्शन मिलते हैं, उसके बाद में उस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो हमने सैलरी चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर या इनकम का जो हेड आता है वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपना मकान है, अपनी ज़मीन है, फ्लैट है, बंगला है, सिनेमा हॉल है या कुछ भी है जिसको कि वह किराए पे चढ़ाता है और उससे आय प्राप्त करता है, तो जो भी आय कहलाएगी वह मकान संपत्ति से आय कहलाएगी या जिसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। तो नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के सामने पहले पेज में ही आपके सामने दिया हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो मकान संपत्ति से आय है उस वह कौन सी आय होनी चाहिए, क्या कौन सी शर्तें हैं या कौन सी आय को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल करें। तो जब कभी ऐसी स्थिति को समझना है तो हमें जो आय का जो क्षेत्र होता है या मकान संपत्ति के आय के संबंध में जो कंडीशन अप्लाई होती हैं उनको समझना आवश्यक होता है। तो सबसे पहला मैंने नोट्स के अंतर्गत हेडिंग डाल दिया है, और आप हेडिंग देखेंगी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका हेडिंग में मैंने लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस मीन्स एनी बिल्डिंग यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल पर्पज। इट मे बी फ्लैट, बंगला, शॉप, ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री और शोरूम। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात बताई थी कि ऐसा कोई भी मकान या शोरूम या बंगला या फ्लैट जिसको कि हमने रेजिडेंशियल पर्पज़ से या किराए व्यवसाय के दृष्टि से किसी को किराए पे दिया है तो उससे जितनी भी आय प्राप्त होती है वह मकान संपत्ति से आय कहलाती है। लेकिन उसके आय का क्या क्षेत्र होता है या व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर टैक्सेबल इनकम इन हाउस प्रॉपर्टी, तो वो कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए आपके सामने नोट्स में तीन कंडीशन बताई गई हैं। ऑल ऑफ फर्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ है वह जो दी हुई है, इनकम शुड बी फ्रॉम हाउस और लैंड अपर्टेंट टू इट। कहने का अर्थ है कि जो भी इनकम कहलाएगी वह तभी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाएगी जब कभी वह इनकम या तो किसी मकान को या ऑफिस को या बंगला को या फ्लैट को किराए पे देने से प्राप्त हुई हो या मकान से जुड़ी हुई या मकान से लगी हुई भूमि से आय प्राप्त हो रही हो। मकान से जुड़ी हुई भूमि से आशय है जो मकान से बिल्कुल अटैच्ड हो। अगर हम अलग भूमि किसी को किराए पे देते हैं, मकान से जुड़ी हुई नहीं है और अलग भूमि किसी को किराए पे देते हैं या लैंड देते हैं और उससे जो इनकम प्राप्त होती है तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो ज़मीन है वह मकान से जुड़ी हुई हो। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मकान से जुड़ी हुई भूमि है लेकिन हमने मकान किराए पे नहीं दिया है, केवल भूमि को किराए पे दिया है, केवल लैंड को किराए पे दिया है, तो ऐसी स्थिति में भी वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन ये दी हुई है, एसएससी शुड बी ऑनर ऑफ द हाउस। जो मकान किराए पे दिया जा रहा है तो जो किराया प्राप्त करने वाला है उसे हम करदाता मान रहे हैं, वह करदाता स्वयं उसका उस मकान पर मालकिना हक होना चाहिए, उसका स्वामित्व होना आवश्यक है। जैसे हम ये कहें कि यदि मैंने कोई मकान किराए पे लिया और वह मकान मैंने किसी दूसरे को किराए पे दे दिया, तो मैंने भी किराए पे लिया और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पे दिया है, तो हालांकि मेरी इनकम तो बनेगी लेकिन वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होकर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो जाएगी, या जिसको हम सब लेटिंग इनकम कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इनकम वही जोड़ी जानी चाहिए जिसमें एसएससी का खुद का स्वामित्व उस मकान से जुड़ा हुआ हो या स्वामित्व उस मकान का हो। तीसरा पॉइंट आपके सामने आ रहा है, करदाता एसएससी शुड नॉट यूज हिज
हाउस फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पेशे के लिए नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में ये दिया हुआ है कि यदि कोई करदाता किसी व्यवसाय के अंतर्गत स्वयं के मकान का उपयोग करता है और उस व्यवसाय से टैक्सेबल इनकम प्राप्त होती है, तो उसे प्राप्त होने वाला अनुमानित किराया या लगभग किराया जो होगा, वह उसके जो किराया होगा वह मकान संपत्ति की आय नहीं कहलाएगा, वह जो किराया होगा वह उसके हाउस इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई करदाता जो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना चाहता है और अपने व्यवसाय के अंतर्गत ही कोई बैंक खोल देता है या उत्पाद शुल्क का कोई कार्यालय खोल देता है या ऑक्टाइड ड्यूटी के लिए खोल देता है या बैंक खोल देता है, तो ऐसी स्थिति से जो भी उसको किराया प्राप्त होता है वह मकान संपत्ति की आय न कहला के इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगा। तो कहने का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने ही मकान में व्यवसाय चला रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय से संबंधित उस मकान से संबंधित जो भी लगभग किराया होता है या प्राप्त होने योग्य जो किराया होता है वह व्यवसाय की आय कहलाएगी, मकान संपत्ति की आय नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट हेडिंग मैंने आप लोगों के सामने रखा है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप ये देखिए कि अगला हेडिंग सेकंड पेज पे आपको दिया हुआ है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सी इनकम को टैक्सेबल माना जाए और कौन सी इनकम को टैक्सेबल नहीं माना जाए, ये हेडिंग आप लोगों के सामने दिया हुआ है। तो इसमें आपको ये देखना है कि किसी भी मकान संपत्ति की आय जो चाहे वह दिखे चाहे नहीं दिखे, मतलब हमें कोई डाउट भी है तो वह इनकम के हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जोड़ी जाए या नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि इसका पहला पॉइंट दे रहा है इनकम फ्रॉम हाउस सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया। यदि कोई मकान हमारा भारत के बाहर है और या भारत के अंदर ही है तो उससे संबंधित जितना भी मकान का किराया प्राप्त होता है वह टैक्सेबल होगा, अर्थात मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत वह टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जो फॉरेन में या विदेश में हमारा मकान है उसे इनकम तो प्राप्ति हो रही है, लेकिन उससे संबंधित जितने भी हमने लोकल टैक्सेज पेमेंट किए हैं या म्यूनसिपल टैक्सेज पेमेंट किए हैं उनका भी हमें डिडक्शन मिलेगा। सेकंड वन दिया हुआ है कि कभी कभी मकान कुछ ऐसे होते हैं जो हाउस प्रॉपर्टी के रूप में दिए तो जाते हैं किराए पे, लेकिन उसके साथ में कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है, उससे संबंधित सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि मिक्स्ड रेंट फ्रॉम हाउस। मिक्स्ड रेंट का या कंपोजिट रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि यदि हमारे पास कोई किराया इस प्रकार के आ रहा है जो मकान से संबंधित भी है और हमने अगर मकान के अंदर उनको जो किराएदार है उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई हैं तो वह सुविधाओं का किराया भी उसके अंतर्गत जुड़ा हुआ होता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे हम दिल्ली में चले जाएं, बॉम्बे में चले जाएं, तो वहाँ पे केवल सिंपल मकान किराए पे नहीं दिए जाते बल्कि फर्निश्ड भी दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर फर्निश्ड मकान दिया जा रहा है तो मकान किराया जो होता है वह इकट्ठा ही बताया जाता है। तो आप ये देखिए कि इसको कहते हैं कंपोजिट रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंपोजिट का अर्थ होता है जिसमें मकान का किराया भी जुड़ा हुआ है और सुविधाओं का भी किराया जुड़ा हुआ है। तो इसमें दो फिर इसके हम सब दो पॉइंट कर सकते हैं या इसको दो विभागों में बांट सकते हैं कि जब मकान और सुविधाओं का किराया अलग अलग तय किया गया हो। तो जब कभी कोई मकान किराए पे दिया जाता है और उसमें सुविधाएं भी दी जाती है तो मकान का किराया अलग बता दिया 20,000 रुपये और जो सुविधाएं दी गई हैं जैसे AC दिया है, फ्रिज दिया है या पानी की सुविधा दी है या नौकर की सुविधा दी है उसका किराया अलग बताया गया है। तो जब कभी अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में जो मकान से संबंधित किराया होगा वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा और जो दूसरी सुविधाओं से प्राप्त होने वाला किराया वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। और कुछ सुविधाएँ ऐसी होती हैं जिसमें हम है ना
सुविधाओं का मूल्य अलग अलग किसी आधार पर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आधार पर भी हम मिश्रित किराए को या कंपोजिट रेंट को अलग अलग कर सकते हैं, तो जो मकान से संबंधित किराया होगा उसको मकान इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कर देंगे, और सुविधाओं से संबंधित जो किराया होगा वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो जाएगा। लेकिन अब अंत में एक बात और आती है आपके सामने, जब हम कंपोजिट रेंट को हम डिवाइड नहीं कर सकते या कंपोजिट रेंट को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई सिनेमा है, हॉल किराए पे दिया गया है, तो सिनेमा हॉल हमने एज ए एक प्रॉपर्टी तो दी है, उसके साथ साथ में जितना भी प्लांटेशन है, जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी चेयर्स हैं या जितनी भी और सुविधाएँ हैं, एसी वगैरह है, वो सब कुछ दी है। तो ऐसी स्थिति में हम है ना जो सुविधाएँ दी हैं उनका अलग किराया नहीं निकाल सकते हैं और सिनेमा हॉल का नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिनेमा हॉल अगर ठेके पे दिया जाता है या किराए पे दिया जाता है तो एक ही मूल्य बताया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो इनकम होती है वह इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी, वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट थर्ड पेज पर मैंने कुछ लिखा है कि कुछ इनकम्स क्या होती है मकान से संबंधित होती है लेकिन हम उनको टैक्स फ्री मानते हैं या उसको कर मुक्त मानते हैं। थर्ड हेडिंग दिया हुआ है एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ऐसी कौन सी इनकम्स हैं, तो हम ये पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें हमने कृषि भूमि पर यदि कोई मकान खड़ा है और उसका उपयोग भी कृषि से संबंधित ही हो रहा है, तो जितने भी उसका लगभग मूल्य है या जिसका निर्धारित मूल्य है वह टैक्स फ्री हो जाता है। तो पहला पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने लिखा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस सिचुएटेड, पहला पॉइंट ये है इनकम फ्रॉम हाउस सिचुएटेड एट एग्रीकल्चर लैंड एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर बिजनेस। अभी मैंने बताया था यदि कोई कृषि भूमि पर कोई मकान है और उसका उपयोग भी कृषि कार्यों के लिए ही हो रहा है, तो उससे उसका उचित एनुअल वैल्यू या उसकी जो उचित लगभग किराया है वह किराया कर मुक्त हो जाता है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है एनुअल वैल्यू ऑफ वन हाउस और पैलेस ऑफ राजा महाराजा इफ़ इट इज़ नॉट लेट आउट। यदि किसी भूतपूर्व या राजा महाराज का कोई महल है और उसको किराए पे नहीं दिया गया है तो इसका वार्षिक मूल्य भी टैक्स फ्री माना जाता है। थर्ड वन पॉइंट दिया हुआ है कि हाउस यूजेज बाय एसएससी इन सच बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ विच इनकम इज टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक ऐसा मकान जो करदाता स्वयं के व्यवसाय के लिए या प्रोफेशन के लिए काम में ले रहा है और उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस भी बन रही है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के मकान से संबंधित किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एग्जेम्प्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि रेंटल इनकम ऑफ सम इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रेड यूनियन, लोकल अथॉरिटी। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ समाज सेवा के लिए खोली जाती हैं, या हम ये कहें कि कुछ संस्थाएं, कुछ संघ या स्थानीय सत्ता जिनके मकान से आय तो होती है लेकिन उनको करमुक्त माना जाता है, क्योंकि वह केवल पुण्यार्थ कार्यों के लिए मकान संपत्ति उपलब्ध कराते हैं, या श्रम संघों की मकान संपत्ति है, या जो लोकल अथॉरिटी है वो केवल मार्केटिंग के लिए गोडाउन अलाउ कराती है, तो इनकी इनकम क्या होती है कर मुक्त मानी जाती है। एक पॉइंट शायद इसमें नहीं आ पाया जो मैं आपको बता रही हूँ कि यदि कोई व्यक्ति है या एसएससी है जो मकान खरीदने और बेचने का कार्य करता है और उसका उसके संबंध में यदि उसके कोई मकान बिना बिके रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उससे अगले मकान रह जाते हैं और उसका जब मकान बन गया उसके अगले 2 वर्ष तक वह कर मुक्त रहेंगे, अर्थात मकान संपत्ति के अंतर्गत उसकी आय को आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अब एक बात लास्ट में एक पॉइंट या डॉट लगा के मैंने बताया है कि सभी प्रकार के इंडिविजुअल या एचयूएफ जो होते हैं वह अधिकतम एक मकान
हाँ नहीं सॉरी, ये दिया हुआ है कि अब नियम चेंज हो गए हैं और ये क्या गया कि यदि कोई व्यक्ति या कोई HUF जो कि जिनके परिवार के लिए दो आवश्यक मकान का मूल्य शून्य माना जाएगा और यदि उनकी मकान की कोई ऋणात्मक आय होती है तो ऐसी स्थिति में उसे करमुक्त आय नहीं कह सकते हैं। ये एक्चुअली पॉइंट हम जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।